वेलकम टू सोशल। एक डायरेक्टर अपने करियर में कई फिल्म्स बनाता है, सम ऑफ दीज गो ऑन टू बिकम हिट्स, वहीं इनमें से कुछ फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती हैं। लेकिन इस सक्सेस और फेलियर से अलग होकर हम बात करें तो कई ऐसी फिल्म्स भी होती हैं जिनको आप बाद में देखो तो इट नेवर फील्स कि ये फिल्म उसी डायरेक्टर ने बनाई है। इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ फिल्म्स के बारे में बात करने जा रहे हैं दैट यू वोंट बिलीव वर मेड बाय द सेम फिल्म मेकर। This is going to be an interesting video, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चाचा नहीं मैं यार हूँ उसका, और उसने कई बार मामा बुलाया मुझको, पर आज मैं पहले लेके जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं आज। मैं दे दूंगा ना। और तू क्यों दे देगा? Number one, Cash by Anubhav Sinha. Mind blowing. अनुभव सिन्हा हिंदी सिनेमा के वन ऑफ द मोस्ट हार्ड हिटिंग फिल्म मेकर्स में से एक हैं। उनकी लास्ट थ्री फिल्म्स मुल्क, आर्टिकल 15 और थप्पड़ ने ऑडियंस को ना ही सिर्फ एंटरटेन किया है बट दीज फिल्म्स आल्सो हैड अ सॉलिड मैसेज इन द एंड। और अगर आप मेरी दाढ़ी और ओसामा बिन लादेन की दाढ़ी में फर्क नहीं कर पा रहे तो भी मुझे हक है मेरी सुन्नत निभाने का। अनुभव ने अपने करियर में कई फिल्म्स बनाई हैं, जिसमें से कुछ सक्सेसफुल थी और कुछ नहीं, लेकिन उनकी सारी फिल्म्स में से वन फिल्म दैट डजंट जस्टिफाई हिज स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग इज द फिल्म कैश। 2009 में रिलीज हुई कैश एक रॉबरी थ्रिलर फिल्म थी जो की बहुत ही क्रिंजी थी। एग्जैक्टली यही तो मैं कह रहा था। कह तो मैं भी यही रहा हूँ, सिर्फ कहानी तो क्या हुआ। जहाँ अनुभव सिन्हा की फिल्म्स आर ऑलवेज नोन टू हैव अ स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन, कैश वाज नथिंग लाइक दैट। फिल्म काफी बोरिंग थी विद अननेसेसरी सॉन्ग्स एंड एक्शन सीन्स। नो डाउट फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई एंड नाउ नो वन इवन रिमेम्बर्स दिस फिल्म। क्या है? मारता हूं ना तुझे, तू रुक ना। नंबर टू, रिटर्न ऑफ हनुमान बाय अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप इज समबडी हु डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन। उन्होंने अपने करियर में जो भी फिल्म्स बनाई हैं, दे आर वेरी पॉपुलर अमंग द ऑडियंस। पैसन है हमारा, पैसन, पैसन समझता आपको? Where his most popular films are Gangs of Wasseypur, Devdi और Raman Raghav 2.0, अनुराग ने अपने करियर में एक ऐसी फिल्म भी बनाई है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। द फिल्म वॉज रिटर्न ऑफ हनुमान, जो कि एक एनिमेशन फिल्म थी। यस, यू हर्ड दैट राइट। रिटर्न ऑफ हनुमान 2008 में रिलीज हुई एनिमेशन फिल्म थी जिसको स्पेसिफिकली बच्चों के लिए बनाया गया था। एज यू कैन वेरी वेल सी, क्योंकि ये एक चिल्ड्रंस फिल्म थी, इसीलिए दिस डजंट हैव एन एलिमेंट ऑफ डार्कनेस जो कि हमें अनुराग की नॉर्मल फिल्म्स में देखने को मिल जाता है। बट इट स्टिल सरप्राइजेस अस कि अनुराग कश्यप हैज मेड एन एनिमेशन फिल्म एंड दैट इज वेल चिल्ड्रन एनिमेशन फिल्म। वी आर श्योर कि आपको भी अभी तक ये नहीं पता होगा कि उन्होंने ही ये फिल्म बनाई थी। क्या सूरज को खाएगा राहू, मुझे भी वही बेचता हूँ जा केतु को भेजा। नंबर थ्री, ये क्या हो रहा है बाय हंसल मेहता। थैंक्स टू द वेब सीरीज स्कैम 1992 कि आज हंसल मेहता को वो रिकॉग्निशन मिली जो कि वो हमेशा से डिजर्व करते थे। हंसल ने अपने करियर में कई अमेजिंग फिल्म्स बनाई हैं जो कि काफी बोल्ड सब्जेक्ट्स के बारे में बात करती हैं। जहां इस जनरेशन की ऑडियंस नोज हिम फॉर फिल्म्स लाइक शाहिद, अलीगढ़ एंड सिटी लाइट्स, वहीं हंसल ने 2000s के डेकेड में कुछ ऐसी फिल्म्स बनाई व्हिच नाउ डोंट सीम लाइक हिज फिल्म्स। इनमें से ही एक फिल्म थी ये क्या हो रहा है, जो कि ईयर 2002 में रिलीज हुई थी। फिल्म एक रोमांटिक कॉमेडी थी जिसकी बेसिक स्टोरी फेमस हॉलीवुड फिल्म अमेरिकन पाई से अडैप्ट की गई थी। हाँ, मैं वही हूँ। अब सब साफ हो गया, ये बच्चे बिल्कुल पागल होते हैं, चलो अब जाओ। टू बी ऑनेस्ट, फिल्म का ह्यूमर काफी चाइल्डिश था और एक्टर्स की परफॉर्मेंस के बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा होगा। कहीं से भी फिल्म देखते हुए नहीं लगता कि ये फिल्म सेम डायरेक्टर ने बनाई है जिसने स्कैम 1992 और अलीगढ़ जैसे सेंसिटिव सब्जेक्ट्स पर स्टोरीज बनाई है। नंबर फोर, जमीन बाय रोहित शेट्टी। रोहित शेट्टी हिंदी सिनेमा के एक मासी फिल्म मेकर है। फ्रॉम एक्शन टू रोमांस टू कॉमेडी, इनकी फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखी जाती है, इसी वजह से रोहित की फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर इतना अच्छा परफॉर्म भी करती है। Where the audience connects Rohit Shetty to films like Golmaal, Singham and All the Best. रोहित ने अपने करियर में एक ऐसी फिल्म बनाई है जो कि उनकी बाकी फिल्म से काफी अलग है। दिस वॉज हिज फर्स्ट फिल्म जमीन, जो कि ईयर 2002 में रिलीज हुई थी। फिल्म एक एक्शन थ्रिलर थी जहां पर हमने एक प्लेन हाईजैकिंग की सिचुएशन देखी थी। इट इज सेट कि फिल्म काफी रियल इवेंट से इंस्पायर्ड थी और इसी वजह से फिल्म की टोन काफी रियलिस्टिक और नेचुरल थी। However, it is a bit unfortunate कि इसके बाद रोहित ने कोई भी ऐसी फिल्म नहीं बनाई। We would love to see him making action films like Zameen. पहले प्लेन और मेरे आदमी छोड़ो, फिर मैं इसे छोड़ूंगा।
नंबर 5 अनजाना अनजानी बाय सिद्धार्थ आनंद। 2011 में रिलीज हुई अनजाना अनजानी एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी जिसको डायरेक्ट किया था फिल्म मेकर सिद्धार्थ आनंद ने। सिद्धार्थ आनंद इफ यू नो इज द फिल्म मेकर जो आज मासेस में बहुत पॉपुलर है फॉर हिज एक्शन फिल्म्स लाइक वार एंड बैंग बैंग। जहां इन फिल्म्स में सिद्धार्थ ने एक्शन के साथ ऑडियंस को एक हार्ट वार्मिंग रोमांस भी दिखाया था, वही फिल्म अनजाना अनजानी में ही कुडंट पुल ऑफ रोमांस एज ही वुड हैव थॉट। फिल्म के लीड पेयर रणबीर और प्रियंका की केमिस्ट्री बिल्कुल भी चार्मिंग नहीं थी और फिल्म का ह्यूमर भी काफी डेड था। No doubt, film ke songs were good like every Siddharth Anand film. But this was not enough for the film to work. We won't be wrong to say ki ye film Siddharth ki sari films mein bilkul alag hi stand out karti hai, as it has nothing worth talking about. Is discussion ka abhi kya fayda? Kyunki zindagi mein hum woh ek cheez kho chuke the, jise hum sabse zyada chahte the. Number 6, RJV ki aag by Ram Gopal Verma. There was a time when Ram Gopal Verma was one of the best directors of Indian cinema. इस टाइम पर उनकी हर फिल्म में एक यूनिक स्टोरी लाइन देखने को मिलती थी। This was the time जब वो अपने पीक पर थे and he made classics like Satya, Company and Sarkar. But then we don't know what happened to him. और उन्होंने इन फिल्म्स के बाद से जो भी फिल्म्स बनाई वो a complete waste of time. इन सारी फिल्म्स में से वन फिल्म जो कहीं से भी उनके लेवल की नहीं लगती इज द आरजेवी की आग। व्हाट शुड वी से अबाउट दिस फिल्म जो पहले किसी ने नहीं बोला है। द फिल्म वाज अ मॉडर्न डे अडैप्टेशन ऑफ द कल्ट क्लासिक शोले विद अजय देवगन, अमिताभ बच्चन एंड मोहनलाल एक्टिंग इन इट। इतनी टैलेंटेड कास्ट होने के बावजूद फिल्म वाज सो बैड दैट इट वाज फनी। फिल्म के डायलॉग्स और सीन्स इतने वियर्ड थे कि ऐसा लगता है कि मेकर्स डिडंट हैव अ स्क्रिप्ट व्हेन दे वर शूटिंग द फिल्म। एज एक्सपेक्टेड फिल्म को ना क्रिटिक्स ने पसंद किया और ना ही ऑडियंस ने एंड द फिल्म वाज अ बॉक्स ऑफिस डिजास्टर। नंबर 7, हंगामा 2 बाय प्रियदर्शन। प्रियदर्शन इज अ डायरेक्टर जिन्होंने हमें कई क्लासिक कॉमेडी फिल्म्स दी हैं, जैसे कि हेरा फेरी, गरम मसाला और हंगामा। वो हमेशा से ही एक ऐसे डायरेक्टर रहे हैं हु हैज अंडरस्टूड ह्यूमर वेरी वेल। चाचा नी मैं यार हूं उसका, ओए उसने कई बार मामा बुलाया मुझको, पर आज मैं पहले लेके जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं आज। मैं दे दूंगा ना। और तू क्यों दे देगा? और इसीलिए उनकी फिल्म्स आज भी टीवी पर देखी जाती हैं। हाउएवर इन द ईयर 2001 ही वेंट टेरिबली रॉन्ग विद द फिल्म हंगामा 2। हंगामा 2 प्रियदर्शन डायरेक्टर हंगामा का बहुत ही पुअर सीक्वल था जहां फिल्म ओरिजिनल के कंपैरिजन में कहीं भी स्टैंड आउट नहीं करती। Honestly, it didn't even feel like a Priyadarshan movie. ये क्या है? आप ठीक देखिए, पूरा जला नहीं, अल्लाह कसम। अल्लाह कसम? तो धर्म बदलने पर कोई पुराने भगवान थोड़ी बुलाए जाते हैं। अब ऐसे सबने कहा कि सबका मालिक है, तू सबके नाम पे बेच। Number 8, Happy New Year by Farah Khan. Farah Khan एक proper commercial filmmaker है, जहां उन्होंने हिंदी सिनेमा को amazing films दी हैं, जैसे मैं हूं ना और ओम शांति ओम। इन फिल्म्स में फराह ने मास ऑडियंस को एंटरटेन करने के साथ साथ सिनेफाइल्स को भी एंगेज करने की कोशिश की थी। नो डाउट इसी वजह से ये दोनों फिल्म्स स्पेशली मैं हूं ना कंटिन्यूज टू स्टे रेलेवेंट इन पॉप कल्चर। तुम्हारी माँ तो होगी ना? हाँ है ना, सबकी होती है। सबकी नहीं होती। You are very lucky. However, फराह की एक फिल्म जो कहीं से भी उनकी क्रिएशन नहीं लगती इज द फिल्म हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर 2014 में रिलीज हुई थी, जहां फिल्म की स्टोरी रिवॉल्व अराउंड द रॉबरी ऑफ अ डायमंड। अनलाइक हर प्रीवियस फिल्म्स, हैप्पी न्यू ईयर वाज वेरी बोरिंग। फिल्म का ह्यूमर बहुत ही वीक था, विद नॉट सो हिट सॉन्ग्स एंड पुअर एक्टिंग बाय एवरीवन। जहां इससे पहले फराह की फिल्म्स ने हमें कई पॉपुलर डायलॉग्स दिए थे। कहते हैं, अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। In this one, there was none. अगर आपने Happy New Year देखी है, तो आप भी हमें बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगती है। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। नंबर 9, A Gentleman by Rajan D.K. Rajan D.K. ने आज तक जो भी फिल्म्स बनाई हैं, they all have been very interesting. इनकी फिल्म्स का सबसे हाई पॉइंट होता है स्क्रीन राइटिंग एंड द वे द फिल्म इज शॉट एंड एडिटेड। इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं फिल्म लाइक शोर इन द सिटी, गो गोवा गॉन और हैप्पी एंडिंग। इन सारी फिल्म्स में हमें एक अनयूजुअल स्टोरी और अमेजिंग ब्लैक कॉमेडी देखने को मिली थी। राजन डीके ने यही सेम चीज करने की कोशिश की विद देयर फिल्म अ जेंटलमैन,
जिसमें एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने डबल रोल्स प्ले किए थे. वेल टू बी ऑनेस्ट, द फिल्म वॉज रियली रियली गुड एंड इट डिजर्व टू बी अ सक्सेस. पर उस वक्त राज एनडीके इतने पॉपुलर नहीं थे जितने वो आज हैं. द फैमिली मैन की सक्सेस के बाद एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन देयर सिनेमा और अब जाके ऑडियंस को पता चला है कि अ जेंटलमैन इज देयर फिल्म. इफ यू लाइक द फैमिली मैन देन यू शुड डेफिनेटली वॉच अ जेंटलमैन एज वेल. यस यू ऋषि. सॉरी ऋषि कौन. नंबर 10 जब हैरी मेट सेजल बाय इम्तियाज अली. जितना ढोकला छेबला दे फावड़ा खाना खाओ मेरी जिंदगी तो जाओ. इम्तियाज अली हिंदी सिनेमा के एक बहुत ही ओरिजिनल फिल्म मेकर हैं. उन्होंने आज तक जो भी फिल्म्स बनाई हैं, उनमें उन्होंने ऑडियंस को काफी सिंपल वे में कई डीप नैरेटिव्स दिखाने की कोशिश की है. लाइक इन द फिल्म रॉकस्टार, ही टॉक्स अबाउट हार्टब्रेक एंड हाउ एन आर्टिस्ट क्रिएट्स हिज आर्ट. इसी तरह वो फिल्म तमाशा में द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग ऑडियंस को बताते हैं. वेल दीज फिल्म्स आर मास्टरपीसेस, लेकिन इम्तियाज की एक फिल्म जो उनकी जोन की नहीं लगती इज जब हैरी मेट सेजल. अगर आप फिल्म जब हैरी मेट सेजल को इंडिपेंडेंटली जज करेंगे देन एट बेस्ट इट्स एन एवरेज फिल्म. बट इफ यू कंपेयर इट विद हिज अदर फिल्म्स, ये एक इम्तियाज फिल्म लगती ही नहीं है. एवरीवन वांटेड शाहरुख एंड इम्तियाज टू वर्क टुगेदर बट नो वन थॉट दैट द रिजल्ट विल बी दिस बैड. वी रियली फील दैट ये फिल्म इम्तियाज की सबसे वीकेस्ट फिल्म है एंड दैट इज वाई इट फ्लॉप्ड एट द बॉक्स ऑफिस. मैं लड़कियों को गंदी नजर से देखता हूं मैम. चीप चीप. हाँ तो तुमको ये प्रॉब्लम है नहीं, मुझे तो नहीं है. तुम चीप हो गंदे आदमियों पर, मैं तो नहीं हूँ ना गंदी औरत. I'm too neat and clean. तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो. आप हमें इंस्टाग्राम ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहाँ आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी. ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं.